देख इंटरनल असेसमेंट मेरी वैसी ख़राब है, इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज़ में नंबर आ सकते हैं, अकाउंट्स मेरी वीक है, मैथ्स मेरा स्ट्रांग है, तेरा क्या स्ट्रांग है? इस बार तो बहुत दिक्कत होने वाली है, कुछ भी नहीं पढ़ा। लास्ट टाइम तो तू बोल रहा था पीएन को कुछ पैसे देके क्वेश्चंस निकलवा लेगा। पैसे कहाँ से लाऊं? अपने बाप से मांगना, और अगर खुददार है तो वीमेट डाउनलोड कर, मेरी एक्सक्लूसिव असली होलीबाज वीडियो देख, मुझसे वीडियो बनाना सीख, और कैश प्राइस पक्का, 5 रेडमी नोट 8 फोन्स और एक स्विफ्ट कार जीतने का मौका। तेरी वीडियो देख के सीखो बेंचो, इससे अच्छा खुद वीडियो बना के कॉमेडी का बादशाह बन जाओ। बस मुझे वोट करके जितवा दियो, मैं 1 बिलियन के पीछे भाग रहा हूँ। वोट वोट वोट, पहले इलेक्शन में दिया, फिर बेंचो बिग बॉस, फिर इंडियन आइडल, अब ये जो करना कर। नाम क्या होता है? VMate, VMATE। भुवन बेटा मेरी बात सुन। ओहो कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। हाँ वही तो पूछा, कहाँ जा रहे हो? घर पे है। घर में लोग आ रहे? अरे नहीं। तो फिर आप ही तो बाहर जा रहे हो, वही तो पूछा। यार तुम दोनों माँ बेटे मेरी जिंदगी में टाइगर श्रॉफ बने हो, बीच में कूद जाते हो बिना पूरी बात सुने। मेरी फोन पे मीटिंग है, वीडियो कॉल है। अच्छा तो फिर तैयार क्यों हुए हो? क्योंकि अमेरिका से फोन आने वाला है। आपको क्यों? मुझे सिर्फ दिल्ली गुड़गांव से फोन आ सकते हैं। नहीं मतलब आपका क्या लेना देना अमेरिका से? अरे जो मेरे बॉस हैं वो छुट्टी पे गए हैं और ये मीटिंग अचानक आ पड़ी, तो उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने ये काम पूरे ऑफिस में से सिर्फ मुझे सौंपा है, इसलिए तो तैयार हूँ। वो क्या कहते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट डिप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पापा इतनी झंड इंग्लिश के साथ बात करोगे, वो तो इतनी फराटेदार बोलेंगे। इसीलिए तो तुझे बोल रहा हूँ कि मुझे फटाफट सिखा दे जो भी इंग्लिश में अक्सर बोला जाता है, जैसे नमस्ते, सब ठीक है, तबियत कैसी है, खाना खा लिया, सो जाओ। अब क्लाइंट हो, उसकी माँ हो, खाना खा लिया, सो जाओ, मुगली गुट्टी पी लो, इतनी क्यों चिंता है उसकी? मुझे नहीं पता, तू मुझे फटाफट सिखा दे। सोच बेटा, अगर ये मीटिंग बढ़िया हो गई तो मेरा प्रमोशन पक्का। अच्छा देखो, सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहो, शक्ल से लगना चाहिए कि आप बॉस हो, कॉन्फिडेंस लाओ, थोड़ा और ठरकी लग रहे हो पापा, ढंग से चेहरे बनाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ। कैसे दिखते हैं कॉन्फिडेंट लोग? कुछ टिकटॉकर्स की वीडियो है मेरे पास। तू चुप कर, आपके ऑफिस में कॉन्फिडेंट लोग नहीं है क्या? अरे सब टेंशन में रहते हैं, पूरा टाइम घड़ी देखते रहते हैं, 5 बजे हम घर जाएं और घर जाके टेंशन लें। अच्छा तो फिर बॉडी सीधी रखो, और सीधी, थोड़ी और सीधी, और सीधी। बेटा चने के खेत में नहीं करना, वीडियो कॉल है, तू मुझे बस इंग्लिश सिखा दे, ये सब छोड़। अच्छा ठीक है, सबसे पहले वो आपको हेलो बोल के ग्रीट करेगा, आपको भी हेलो बोलना है, जोर लगा के। जब से वीडियो कॉल का पता लगा है रोक के बैठा हूँ बेटा, जोर नहीं लगा पाऊंगा। जोर मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा बोलो। अच्छा हेलो बबलू जी। हेलो, टेली ब्रांड के एड में कुकर बेच रहे हो क्या? चिल्लाओ मत, एटीट्यूड लाओ। हेलो, व्हाट इज अप? व्हाट इज अप? अप मतलब ऊपर। अरे शब्दकोश, वो पूछ रहा है कैसे हो, व्हाट्स अप? कल तक तो ऑफिस में हाउ आर यू था। देखो पापा, वो कोई सवाल करे, आप 1-2 शब्द बोल के वही सवाल उससे वापस पूछ लेना, फिर उसको जवाब देना पड़ जाएगा। मतलब मुझसे पूछो हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? अरे वाह आसान है। हाउ इज योर फैमिली? फाइन, हाउ इज योर फैमिली? देखा, अरे वाह। और बीच बीच में ग्रेट, चीयर्स, नाइस, ऐसे बोलते रहना ताकि उसको लगे कि आप उसकी बात सुन रहे हो। ठीक है। आई वाज टॉकिंग टू योर बॉस एंड आई थिंक यू द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस। ग्रेट, आई मीन आई कैन क्लियरली सी व्हाट ही मेंट। वाह 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 वाह। और अगर कोई लाइन समझ ही ना आए तो पूरी लाइन में एक शब्द तो समझ आएगा, उसी शब्द के आसपास के जवाब होते हैं। योर सिटी इज ब्यूटीफुल, आई वाज देयर लास्ट ईयर। ब्यूटीफुल, सिटी इज ब्यूटीफुल, कम प्लीज। वाह वाह भी वाह। और अगर कुछ भी समझना है ना तो एक जगह पर अटक जाना ताकि उसको लगे कि नेटवर्क खराब है। बहुत दिमाग है तेरे में बेटा, तुम आजकल के बच्चे नए नए तरीके ढूंढते हैं लोगों का फुद्दू काटने के। हैं, मेरा तो नहीं काटा कभी है, इसका देख के लग रहा है इसने काटा है। कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है। नमस्ते, हाय पापा, मुझे देखो। बबलू, हेलो बबलू जी। बबलू तुम्हें हूँ। पापा मुझे देखो। हाय बबलू, मैं सेल्फ। बबलू नाम तो सुना होगा यार। पापा मुझे देखो। हाय, हेलो, नमस्ते, हेलो, मुझे देखो। तू डब्बू रत्नानी का कैलेंडर है क्या? क्या देखूं? उठाओ, डरो मत, याद रखो कॉन्फिडेंस, 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 अनुशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा, गुरुकुल, आराध्या, क्या अभिषेक। अरे उठाओ। हेलो, हेलो मिस्टर बबलू, दिस इज माइक। हाय, वेल हाउ आर यू? I am good. How are you? Very well. How's your wife? Fine. How is your wife? She's dead. Cheers. There's nothing to cheer about it. Wow. Anyway, it's a pleasure talking to you. I've been told that you're a responsible man. Man, man, I am man. My son also man.
वाइफ वुमन. ओके, दैट मफलर लुक्स कूल. इज इट अ पार्ट ऑफ योर अटायर? हमरी अटरिया पे आ जा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जावे. अटरिया नहीं, अटायर, मफलर की बात कर रहा है. ओह, मफलर. आई लव मफलर. इजंट दिल्ली टू हॉट? यस, हॉट हॉट. हाल बहुत बेहाल. बट मफलर ओनली बबलू एंड केजरीवाल. लिसन मिस्टर बबलू, आई विल गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. Your boss, Mr. Ahuja, is a great man. Really? And our relationships with him have grown twofold in the past 4 years. कुछ समझ नहीं आ रहा इनके. Every year we come to your city and discuss future plans, but this year, unfortunately, we'll be skipping the visit due to the coronavirus. You know how corona is spreading everywhere, right? Corona, corona. Corona, corona. Yes, 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 corona. Yep. Only good when chilled. वरना बढ़वा सर. बढ़वाई सर. तुझे कैसे पता? तू पीता क्या? I think you're too busy. No busy, no busy. Cat in my house. Oh, I love cats. So I have a proposal for you guys. A company is in favor of taking this relationship to another level. Yeah. Our investors want to invest in you guys, and we think there's no better alternate than you. Hello, Mr. Babloo. Hello. ये कैसे अटक गया ससुरा? साला अमेरिका तक में इंटरनेट का दिक्कत है. हैं जी? Oh, you're back, Mr. Babloo. एक सेकंड, आप हिंदी में बात कर रहे थे? हम तो बोलते ही हैं हिंदी, पटना से जो हैं. पर आपने अपना नाम तो माइक बताया ना? ये गोरे हर चीज छोटी कर देते हैं. मुकेश का माइक कर दिए, इसलिए तो इनके सामने नंगे नहीं घूमते, हर चीज छोटी कर देते हैं. पहले बता देते, मेरी जरा अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है. तो हिंदी में बात कर लेते. अरे अपनी भाषा बोलने में कौन सी शर्म? जापानी लोग तो सिर्फ जापानी भाषा बोलते हैं और उन्हें गर्व है इस बात का. नहीं बोलते तो ट्रांसलेटर लेके चलते हैं. पता नहीं हम क्यों शर्म करते हैं अपनी भाषा बोलने में. साला सिर्फ अपने देश में ही अंग्रेजी को समझदारी का सर्टिफिकेट माना जाता है. अरे हमारा बॉस आ गया है, अंग्रेजी में बोलेंगे अब. बस हाँ हूँ करते रहना, ठीक है? It was great talking to you, Mr. Babloo. What a wonderful and fruitful conversation. Yes, yes, बोल रहे हैं, घंटा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा. Now we are talking in Hindi. He's more comfortable that way. सुन रहे हैं क्या? सुनने दो, क्या उखाड़ लेगा? Yeah. Absolutely. Great, wonderful. Wow. Fabulous. Perhaps. Perhaps. Uh-huh. Although. Oh wow. Therefore. तू ही कर ले बात. Learning. Brad Pitt. जय पंकज त्रिपाठी. जय मनोज बाजपेयी. जय हिंद. जय हिंद.